हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव सुरकार और मैं गौरव गोल्डन रूफटॉप चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। और ये वीडियो में लास्ट तक ऐसी चीज़ दिखने वाली है जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार होता है। तो चलिए शुरू कर आज का हवाई सफ़र। तो आपको सामने हवा में एक लटकी हुई बड़ी सी लौकी दिख रही होगी, इसकी बम्पर हार्वेस्टिंग हम आपको बताएंगे। और हमारे लौकी के प्लांट को इतनी सारी जो लौकियाँ लगी है इसका टॉप सीक्रेट भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को ऑन कीजिए। बिल्कुल सिंपल बात है, ताकि नए नए वीडियो हम आपके साथ साझा कर सके और ऐसी डिलीशियस हार्वेस्टिंग भी आपको दिखा सके। चलो तो शुरू करते हैं। इनको जो आपको ये लौकी दिख रही होंगी, ये पौधे की मैंने 2G कटिंग की थी, जो आपके साथ एक बार शेयर भी किया था। और इसका हैंड पोलिनेशन कैसे करना है वो भी मैंने आपको बताया था। मैंने सुबह सुबह कितने पॉलिनेटर यहाँ पे आते हैं वो भी आपके साथ साझा किया था। उसका नोटिफिकेशन आपको आई बटन में ऊपर दिख रहा होगा, आप क्लिक करके देख सकते हैं। ये जो हमारा छोटा सा लौकी का बेल है, इसको अब तक 12 से 14 लौकियाँ लग चुकी है और अभी ये आपको दिख रही होंगी, जिसकी कुछ इसके पहले भी हार्वेस्टिंग हो चुकी है। और लौकी के पराठे वगैरह कैसे बनाते हैं उसका भी वीडियो हमने डिस्क्रिप्शन लिंक में भी डाल दिया और आई बटन में ऊपर आपको शो भी हो रहा होगा, इसे आप क्लिक करके देख भी सकते हैं। तो हमने ये सभी लौकियाँ जो उगाई है, इसका टॉप सीक्रेट यही है कि मैंने एक बार 2G कटिंग की थी। और इसके बाद मेन सीक्रेट ये है कि मैंने हैंड पोलिनेशन किया था, हैंड से इस फ्लावर को पॉलिनेट किया था, ताकि अच्छे से हमें फल मिल पाए। देखिए पूरी लदालद इसको लौकियाँ लगी हुई है, छोटा सा बेल है, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 20 या 25 पत्ते होंगे, लेकिन देखिए लौकियों की कितनी भरमार है। तो चलो इसकी मेन एक केयरिंग टिप आपको बताता हूँ कि जब आप लौकी का पौधा उगाते हैं तो 5 फीट इसे ऊपर चढ़ने दे और ऊपर से इसका सिरा तोड़ दे और 2G कटिंग की तरफ इसको मोड़ दे, ताकि हॉरिजेंटल इसको अच्छा ग्रो होने दे, ताकि इसको बहुत सारे फीमेल फ्लावर आएंगे और मेल फ्लावर आके आप हैंड पोलिनेशन करके अच्छी पैदावार ले सकते हैं। मैंने ये पौधे पे कोई भी पेस्टिसाइड कंट्रोल नहीं मारा था। और मेरा देखिए येलो ट्रैप, इसको जूम करके दिखाता हूँ, इसमें बहुत सारी वाइट फ्लाई अट्रैक्ट होकर मर चुकी है। तो ये बेस्ट सॉल्यूशन, ये अभी एक्सपायर हो चुका है, मैं नया इसमें लगा दूंगा। ये पौधा तो वैसे कोई ज़्यादा केयर नहीं मांगता, आप इसे कौन सा भी खाद डाल सकते हैं, प्रोडक्शन आपको अच्छा ही मिलेगा। ये पौधे को आप मिट्टी नम रखिए ताकि आपको अच्छी पैदावार मिल सके। चलो तो अब इसको हार्वेस्ट करना है, तो सीधा हाथ से नहीं खींचेंगे क्योंकि पूरी बेल टूट सकती है। तो आपको अच्छे से सीजर की मदद से या नाइफ की मदद से ये सिरा काट लेना है, ताकि सेफफुली आपकी हार्वेस्टिंग हो सके। देखिए आपका हाथ वगैरह कटने ना पाए, आराम से कीजिए। मुझे इसके पहले भी कुछ व्यूअर ने पूछा था कि हमारे प्लांट में बहुत ही फीमेल फ्लावर आ रहे लेकिन मेल फ्लावर नहीं आ रहे। तो मैंने उनसे कहा था कि आप वेट कीजिए, मेल फ्लावर भी बिल्कुल ही आएंगे। मेरे साथ भी यही सेम कंडीशन हुई थी, तो मैंने भी वेट करके मेल फ्लावर आने के बाद हैंड पोलिशन करके अच्छी पैदावार ली है, जो आपके सामने है। और ये हमारी हार्वेस्टिंग पूरी हो गई और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमने भिंडी ग्रो की थी, इसकी हार्वेस्टिंग भी 3 या 4 दिन के अंतराल में शुरू है। और गवार की फली भी हमने आपको साझा की थी, उसकी भी हार्वेस्टिंग चल रही है। और ये हमारी आज की हार्वेस्टिंग भी आपके साथ साझा करते हैं और बहुत सारी आपको शुभकामनाएं देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, प्लीज़ लाइक द वीडियो। और ऐसी रोचक जानकारी के लिए आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन एंड नोटिफिकेशन प्लीज प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू।